आज का प्रातः क्लास है 26/12/67। रिकॉर्ड चला है, आखिर वो दिन आया आज। मीठी मीठी रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। बच्चे समझ रहे हैं कि कल्प कल्प बाद फिर से हमको धनवान बनाने, हेल्दी वेल्दी बनाने, पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव। तो बाप भी रूहानी बच्चों की आयु बढ़ाने का वरदान देते हैं। कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए आयुष्मान भव बनाने का वरदान देते हैं। और इतने धनवान बनते हो जो धन की तुम्हें दरकार ही नहीं रहती। तो तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर के मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी।
बच्चे जो पढ़ते हैं वो ही जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं और पढ़ाने वाला कौन है। और बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, यही बात कहेंगे। बच्चों को मालूम ही है कि ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, अभी फिर देवता बनना है। हम शूद्र वर्ण के, फिर कैसे शूद्र वर्ण से ब्राह्मण बनते हैं ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये तो सत्य बात है कि हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनती हैं। वो तो गाते रहते हैं वैष्णव शैव संप्रदाय, अर्थ भी समझते हैं, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव, ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्म समाजी बताए देते हैं। परंतु तुम तो कहते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। ये तो सत्य बात है, बाप सत्य बात बता करके सत्य खंड स्थापन करते हैं, और रावण झूठी बातें बता करके झूठ खंड स्थापन करते हैं। एक है सच्चा, और जिसको अनेक सिर दिखाए जाते हैं वो है झूठा। एक मत से सत्य खंड स्थापन होता है, अनेक मतों से झूठ खंड स्थापन होता है। सत्ययुग में तो पाप झूठ आदि कुछ भी नहीं होता, कलयुग में ही अजामिल पाप आत्माएं होती हैं। इस समय की ये दुनिया बिल्कुल रौरव नरक है, और आगे चल करके दिन प्रतिदिन रौरव नरक बढ़ता ही जाएगा। भगवान आया हुआ है तो भगवान आने का कुछ तो प्रभाव होना चाहिए। भगवान आने से नरक बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? भगवान आया तो हुआ है, लेकिन आने के बावजूद भी गुप्त पार्ट बजाए रहा है। अगर गुप्त पार्ट न बजाया होता तो बच्चों की आंखें 100% तो खुली रही होती, या बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि बनते जाते। हाँ, खुली हुई रहती, लेकिन बच्चे ही बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं। इससे क्या साबित होता है कि बाप आया तो हुआ है, लेकिन बच्चों की आंखें विदेशियों की आंखें बन गई हैं। विदेशी सूर्य का उदय कै बजे मानते हैं? रात्रि के 12 बजे मानते हैं। और भारतवासी जब सूर्य प्रत्यक्ष हो जाता है तब सूर्योदय मानते हैं।
तो बच्चे अभी विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? बच्चे कहेंगे कि बाप विदेशी बनकर आया हुआ है तो हम भी विदेशी हैं। जो अंधे होते हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता है, दिन में भी उजेला हो जाए दिखाई पड़ता है या अंधेरा दिखाई पड़ता है? अंधेरा दिखाई पड़ता है। हैं तो स्वदेशी बच्चे भी मूल में, और विदेशी बच्चे भी हैं। फिर आंखों के सामने बार बार अंधेरा क्यों आता रहता है? हैं? बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है? जब उजेला आता है, निश्चय बुद्धि बनते हैं, तब क्या कहेंगे, उजेला है या अंधेरा है? उजेला कहाँ से आ जाता है? जरूर कहेंगे विदेशियों का प्रभाव है। स्वधर्मी नहीं है। स्वधर्म माने आत्मा का धर्म, और विपरीत धर्म माना देहधारियों के धर्म। इस्लामी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये कौन से धर्म है? देह और देह की स्मृति फैलाने वाले धर्म, उनसे सारा भारत प्रभावित हो गया। अभी बाप कहते हैं स्वधर्म में स्थित हो जाओ, नहीं तो दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई देता रहेगा। ज्ञान सूर्य दिखाई नहीं देगा, और जिनको ज्ञान सूर्य दिखाई देगा उनकी हालत क्या होगी? वो कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी प्रकार के व्यक्तियों के बीच अपने को एडजस्ट करके चलेंगे। जैसे कि अंधेरा उनके लिए खलास हो गया, मनुष्य ऐसे ऐसे तमो प्रधान काम करते रहेंगे जो समझेंगे कि बिल्कुल ही तमो प्रधान ये दुनिया बनती जा रही है। पर सत्व प्रधान काम कौन करेंगे? जिनकी बुद्धि में सत्य प्रत्यक्ष होता है, बाप को पहचानते हैं, वो सत्य काम करते हैं। सत्य खाना, सत्य बोलना और सच्चे कर्म करना, सच्चा कर्म बाप ही आकर के सिखाते हैं। झूठ रावण सिखाता है, झूठ की दुनिया बनती है तो देहभान बढ़ता जाता है, जड़त्व में ही बुद्धि होती जाती है। देहभान में भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल ही शुद्ध और पवित्र रह सकते हैं।
लोग कहते थे कि कलयुग आवेगा तो 13 वर्ष की कुमारियां भी बच्चे पैदा करेंगी। ऐसे ऐसे बुद्धि में बात बैठी हुई थी। और अभी तो वो समय आ गया। क्या 13 वर्ष की उमारियां बच्चे पैदा करेंगी तो उससे पहले ही उनके अंदर देवभान समा जाएगा या बाद में समाएगा? कुमार कुमारियां आज सभी गंध करते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। जब बिल्कुल ही तम प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं कि मैं आता हूं। तो अभी बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं या नहीं बने हैं? सुना कहीं अखबारों में रेडियो में सुना कि 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चे पैदा करने लगी है? अभी सबने नहीं सुना, अभी आती नहीं हुई है। आगे चल के ये गंध बच्चों में भी बढ़ता जाएगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी बुद्धि से, वाचा से और कर्म इंद्रियों से जो कर्म करेंगे वो रेडियो में, अखबारों में छपना ही बंद हो जाएगा। क्यों क्यों बंद हो जाएगा? ये कामन बात हो जाती है। तब बाप कहते हैं कि मैं आता हूं है? अभी आया नहीं है? आया हुआ? आने का मतलब क्या हुआ? आया हुआ है जैसे कहते हैं बच्चा आया। इस घर में क्या आया? बच्ची आई कि बच्चा आया? बच्चा आया। अरे पेट में आया था तब नहीं आया? जब पेट में आता है तब नहीं कहते हैं बच्चा आया? गुप्त रहता है, पता ही नहीं चलता ये बच्ची है या बच्चा है। पर जब प्रत्यक्ष होता है तब पता चलता है ये बच्चा है। ये भी पता नहीं चलता जन्म लेने से पहले कि मरा हुआ पैदा होगा या जिंदा पैदा होगा। अभी बाप कहते हैं मैं तब आता हूं जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं। तो मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा में उलझा हुआ हूं। नुदा हुआ हूं? ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट कोई पार्ट नहीं बजाता हूं। तुम बच्चों के लिए कोई भी नई बात नहीं है, बात समझाते हैं कि अभी तुमने पूरा चक्कर लगाया है। ये नाटक पूरा होता है। अभी बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। और सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
कितनी साधारण बात है। परंतु बाप को कोई इतना महत्व नहीं देते हैं। क्यों नहीं महत्व देते हैं? कोई कारण होगा है? कोई कारण नहीं, क्योंकि साधारण तन में आया हुआ है, इसलिए साधारण समझ लेते हैं। अब ये तो मेरा पार्ट ही है, क्या कि मैं जब आऊं तो साधारण तन में आऊं, हर 5000 वर्ष के बाद मुझे आना पड़ता है, मैं ड्रामा में बंधा है मानू, और आकर के बच्चों को बहुत ही याद की यात्रा सिखलाता हूँ। अंतमते सोगते वो इसी समय के लिए गायन है। जिनका सत्युग के आदि में जन्म होगा, 84 जन्म लेने वाले होंगे, भरपूर आत्मिक स्थिति में टिकने वाले होंगे, उनकी अंत में कौन सी मति बनी हुई होगी जो ऐसी गति को प्राप्त करते हैं? अंतमते सो गते, ये किस समय का गायन है? लास्ट समय का गायन है, जब सारी दुनिया में रौ रव नरक व्याप्त हो जाता है, ये अंतकाल है ना। तो बाप युक्ति बतलाते हैं कि माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी तो समझते हैं ना कि हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप बार बार कहते हैं कि बच्चों के लिए ये बात नथिंग न्यू है। कौन सी बात है? कि हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। फिर नई बात किसके लिए? जो 84 जन्म न लेने वाले हैं, पूरी आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिस करके न टिकने वाले हैं, उनके लिए नई बात है, क्योंकि वो कल्प कल्पांतर नई दुनिया में आवेंगे या नहीं आवेंगे? नहीं आवेंगे। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। एक जिन्न की कहानी सुनाते हैं ना। जिन्न ने कहा हमको काम दो, तो कहा गया कि सीढ़ी बैठ कर उतरो और सीढ़ी बैठ करके चढ़ो। क्या काम मिला? ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो का नाम क्या दिया गया? जिन्न माना जित ना, जिसको कोई जीत न सके। वो कौन हुआ? हाँ, कोई कहता प्रजा पिता। अरे अपने अपने टाइम पर बहुत जिन्न हुए, क्या पृथ्वीराज चौहान अपने समय का जिन्न नहीं हुआ? अच्छा, 5000 वर्ष की दुनिया में ऐसी कोई आत्मा है जिसको कोई जीत न सके? माया तो किसी को छोड़ती नहीं,
चाहे कोई भी हो, सबको जीत लेती है, सबको जीत लेती है। फिर सर्वशक्तिमान एक ही होना चाहिए है? सर्वशक्तिमान एक का टाइटल है या दो का टाइटल है? एक बाप का भी टाइटल है सर्वशक्तिमान, और माया का भी टाइटल है सर्वशक्तिमान। लेकिन माया किसके डायरेक्शन पर चलती है? बाप के डायरेक्शन पर चलती है। अच्छा, बाप माया के डायरेक्शन पर चलता है कि नहीं है? बाप माया के डायरेक्शन पर नहीं चलता? नहीं चलता। फिर जिन्न कौन हुआ? तो जिन्न ने कहा काम दो, तो कहा सीढ़ी चढ़ो और उतरो। बाप भी आकर के कहते हैं, कौन सा बाप? जिन्नात बनने वाला बाप या रूहानी बाप? रूहानी बाप कहते हैं कि ये तो खेल ही है उतरने और चढ़ने का, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। पतित से पावन, पावन से फिर पतित बनना है, और ये कोई डिफिकल्ट बात भी नहीं है, है बहुत सहज। परंतु कौन सी है वो नहीं समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बातें लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे जानते हैं कि हम बार बार बाप को याद करते हैं, फिर माया हमारी याद तोड़ देती है। माया हमारी स्मृति का दीवा बुझाई देती है। इस पर गुल बकावली की कहानी भी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते रहते हैं, फिर अचानक माया आकर के दियरा बुझाई देती है। बच्चे भी कहते हैं, बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं, और अनेक प्रकार के तूफान बच्चों को घेरते रहते हैं। कब कब तो ऐसा तूफान जोरों से आता है कि 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने बनने थे, वो आज है नहीं। कौन से 8-10 वर्षों की याद आई बाप दादा को? यज्ञ के आदि में कोई थे 8-10 वर्ष वाले? 36 से लेकर और 42 तक रहे होंगे, बाप को याद आ गए। ये भी मिसाल है कि गज को ग्रह ने खाया। गज माना हाथी, हाथी रूपी महारथियों जैसा पुरुषार्थ करने वाले थे। ज्ञान की चिंगार मारने वाले थे, ऐसों को भी माया ग्रह ने हप कर लिया। ये है माया के तूफान। बाप कहते हैं, इन 5 विकारों से संभल करके रहो,
याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनो। ये बाप अभी कहते हैं कि घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनो, सतयुग में नहीं कहेंगे क्या देही अभिमानी बनो। नाम रूप देश काल सब कुछ तो रहता है, ऐसे नहीं सतयुग में नाम नहीं होगा, रूप नहीं होगा, देश काल नहीं होगा, सब कुछ रहता है। परंतु इस समय संगम युग पर ही तुमको समझाता हूँ बच्चों, अब तुम्हें वापस जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो से रजो तमो में आए हो, धीरे धीरे उतरते आए हो। तुमने उतरते उतरते पूरे 84 जन्म लिए। 26/12 सरसठ की वाणी का दूसरा पेज। उतरने वालों में भी नंबर वन तो इनको ही कहेंगे। किनको है नंबर वन में उतरने वाले कौन है? इनको, इसको नहीं, इनको कहेंगे। माना रामकृष्ण की आत्मा ही नंबर वन में नीचे उतरने वाली है। हीरो हीरोइन के पासधारी भी कौन सी आत्माएं हैं? राम और कृष्ण की। औरों के तो 84 से कम जन्म भी होते हैं क्या? ये पहले पहले श्री नारायण थे जिनकी यादगार मंदिर बनाए जाते हैं। संगम भी लक्ष्मी नारायण के तो मंदिर बनते हैं, सच भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर कहाँ बनते हैं? बनते हैं क्या? जहाँ जहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं, वहाँ वहाँ एक बाजू में विष्णु का मंदिर भी होता है, उसे नर नारायण का मंदिर कहा जाता है। दोनों के बगैर कार्य संचालन नहीं हो सकता। तो ये थे जो पहले पहले श्री नारायण बने सतयुग में। इनके लिए कहते हैं तो गोया सभी समझ जाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर के फिर वो ही है बनते हैं। गाड़ में भी दिखाया है ना, ये जो श्री नारायण है वो फिर पिछाड़ी के जन्म में ये ब्रह्मा खड़ा है। बच्चे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहा जाता है। क्यों है? प्रजा है 500-700 करोड़, और परम पिता है कितनों का पिता? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का ही पिता नहीं है, जो भी जीव जंतु पशु पक्षी आदि है सब का पिता है, वो परम पिता कहा जाता है।
प्रजा पिता को सिर्फ प्रजा का पिता कहेंगे। प्रजा का जन्म प्रकट रूपेण होता है ज्ञान के आधार पर, वो संगम युग की बात है। तो परम पिता एक को ही कहा जाता है। ये तो देहधारी है, कौन जो भी टाइटलधारी प्रजापिता है या वास्तविक प्रजापिता है वो तो देहधारी है, वो तो विदेही है, विचित्र है। परम पिता कभी ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है या नहीं बोलता है? वो भूल जाते। लौकिक बाप को पिता कहेंगे और इनको प्रजापिता कहेंगे। इनको हैं? राम और कृष्ण की आत्माओं को अंतिम जन्म में प्रजापिता कहा जाता है। वो परम पिता तो परमधाम में रहते हैं और प्रजापिता कहाँ रहते हैं? साकार सृष्टि में रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का निवास स्थान परमधाम को नहीं कहेंगे। उनका 5000 वर्ष में आदि से अंत तक निवास स्थान कहाँ है? साकार दुनिया में उनका निवास स्थान है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की जो भी प्रजा है सबका जब तक उद्धार न हो पाए हो जाए तब तक उनको ये दुनिया छोड़नी नहीं है। तो प्रजापिता तो यहाँ ही साकारी दुनिया में होगा। वो आदि से अंत तक कहाँ पार्ट बजाता है? इस साकारी दुनिया में पार्ट बजाता है। सूक्ष्म मकन में पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? सूक्ष्म मकन में पार्ट बजाने के लिए ब्रह्मा की सोल है, वो सूक्ष्म वतन में वास करती है। कब तक? जब तक सारी दुनिया का विनाश न हो जाए। प्रजापिता तो सूक्ष्म वतन में नहीं होता, प्रजा तो है ही स्थूल वतन में। जब तक प्रजा है तब तक प्रजापिता की जिम्मेवारी है। ये सृष्टि की आदि मध्य अंत की कहानी बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर नहीं कहा जा सकता। भगवान कहेंगे या नेक्स्ट टू गॉड कहेंगे, उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान का तो कोई भी शारीरिक नाम नहीं है। मनुष्य तन जिन पर दूसरा नाम पड़ता है उन मनुष्य तनधारियों से तो वो बिल्कुल न्यारा है। आत्माएं वहां पर रहती हैं तो नारा नाम रूप से न्यारी है। भले नाम रूप से न्यारी है परंतु है तो ना। परम पिता भी वहां पर रहते हैं, नाम रूप से न्यारा कहाँ है? तो वो मनुष्य समझते हैं कि वो तो बिल्कुल ही निल है।
उनको बाप न समझने के कारण कह देते हैं कि वो तो पत्थर भीतर सब में है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, वेदों में भी एक ऐसी रीति आई है, क्योंकि वेद तो सतोपदान काल में लिखे गए थे। लिखा है कि हम पहले भगवान को निराकार नहीं समझते थे, सर्वव्यापी नहीं समझते थे, आदि तो सर्वव्यापी समझते हैं। 24 अवतार कह देते हैं, फिर वो भी रंग हो जाता है। कहां सर्वव्यापी और कहां 24 अवतार। 24 अवतार लेवे चाहे एक अवतार लेवे तो सर्वव्यापी साबित होता है क्या? 24 में व्यापी समझे या एक में व्यापी समझे तो सर्वव्यापी तो नहीं कह सकते। कहते युगे युगे आते हैं तो भी 4 या 5 युगों में 4-5 अवतार होने चाहिए। शास्त्रों में क्या लिखा है? संभवामी युगे युगे। अभी तो ठिक्कर भित्तर में भी कह देते हैं, क्योंकि गीता तो आज से हजारों वर्ष पहले लिखी गई, समझो 2000 साल से पहले लिखी गई, तब उसमें लिखा संभवामी युगे युगे। और अभी तो हर जगह व्यापक बताई देते हैं, कितने बेसमझ बन गए हैं, कभी एक बात कभी दूसरी बात कभी तीसरी बात। बाप को कितनी गालियां देते रहते हैं ये साधु संत, आदि कुछ भी नहीं जानते। न जानने के कारण वो सिर्फ घर बार आदि छोड़ना जानते हैं। अगर जानते होते तो कभी भी घर बार नहीं छोड़ते, क्योंकि बाप आकर तो विकारों को छोड़ना सिखाते हैं, घर बार छोड़ना नहीं सिखाते। बाकी वो जो साधु संत हैं वो दुनिया के विकारों के तो अनुभवी हैं। छोटे बच्चों को भी कुछ भी पता नहीं रहता है विकारों का, इसलिए उन बच्चों को महात्मा कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे कम उम्र वाले 5 विकारों को तो जानते ही नहीं है, तो छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई भी पवित्र नहीं हो सकता है, छोटे बच्चे नहीं है दुनिया में है। छोटे बच्चे हैं तो, लेकिन अभी दुनिया में अति का अंत नहीं आया है। जब अति हो जाएगी तो ऐसी भी मेंटेलिटी हो जाएगी कि गर्भ के अंदर जो बच्चा पैदा होने वाला होगा वो सूक्ष्म शरीर से विकारों में ही रमण करता होगा। मन बुद्धि में उसके क्या रमण करता होगा, विकार ही विकारों में रमण करता होगा। इसलिए बोला इस समय, इस समय माने किस समय, ये जो संगम का समय है, बच्चा भी छोटे से बड़ा होगा, फिर भी पतित तो होगा ही ना। गर्भ में भी पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है,
बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नुधा हुआ है। इस चक्कर में कितने शरीर लेते हैं, कितने प्रकार के कर्म करते हैं, वो सभी फिर भी रिपीट होने हैं। पहले पहले तो आत्मा को पहचानना है कि आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है और ये है सबसे वंडरफुल बात कि ढेर की ढेर छोटी छोटी आत्माएं रिकॉर्ड में ऑफिक और सब में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है और ड्रामा में पार्ट बजाने वाली आत्माओं का पार्ट भी अविनाशी है। एक का पार्ट न मिले दूसरे पार्टधारी से, ये सब बना बनाया है। ये नहीं कहेंगे कि ये ड्रामा किसने बनाया, अगर ये कहें किसने बनाया तो प्रश्न पैदा होगा कब बनाया, अविनाशी तो नहीं हुआ। तो ये शुरू होने वाली बात नहीं है कि कब से शुरू हुआ। कहते हैं ना आत्मा कैसी है, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, उससे तो है ना। परंतु ये ड्रामा अविनाशी है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, कोई भी वैज्ञानिक ने चाहे उसने दुनिया के कितने भी चक्कर लगाए हों, परंतु समुद्र का अंत किसी ने नहीं पाया। अरे सारे समुद्र का चक्कर लगा लिया तो अंत पाया कि नहीं पाया, नहीं पाया। पृथ्वी के चारों ओर जो समंदर फैला हुआ है उसकी लंबाई चौड़ाई नापी कि नहीं नापी, है? नहीं नापी लंबाई चौड़ाई तो नाप ली, लेकिन गहराई, गहराई कोई नहीं नाप सका। कहीं पर सागर उथला है और कहीं पर सागर बहुत गहरा है, इतना गहरा है कि उसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता, वो तो जड़ सागर है। फिर चैतन्य ज्ञान सागर का भी पार्ट है, वो कितना गहरा है ये कोई भी मनुष्य मात्र जान नहीं सकता है। जैसे आकाश का अंत नहीं निकाल सकते हैं, ये आत्मा भी इतनी छोटी है तो उसमें 84 जन्मों का पार्ट चलता ही रहता है। अविनाशी ड्रामा है, जैसे बाबा वंडरफुल है वैसे ज्ञान भी वंडरफुल है। ये इतना विस्तार का ज्ञान और इतना सार में और कोई बता ही नहीं सकता, इतने सभी एक्टर्स अपने अपने पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना ये प्रश्न कब कोई उठा ही नहीं सकते। बहुत कहते हैं भगवान को क्या जरूरत थी जो उसने सुख दुख की दुनिया बैठ बनाई दी। अब ये दुनिया भगवान ने बनाई है क्या? अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई होती तो भगवान ये चाहेगा कि मैं बार बार इस दुख की दुनिया में आऊं, क्योंकि भगवान को तो स्वर्ग की नई दुनिया में आने को मिलता ही नहीं। आत्माएं क्या चाहती हैं, सुख चाहती हैं या दुख चाहती हैं? सुख चाहती हैं,
तो प्रश्न तो करते हैं, क्या भगवान को क्या बैत पड़ी थी जो ये दुनिया बनाई सुख दुख की? अरे ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा है, परंतु इसमें प्रलय आदि कभी होती नहीं है। प्रलय का मतलब प्रमाणा प्रकष्ट रूपेण लय माने लीन, सब कुछ लीन हो जावे, कुछ भी न बचे। परंतु ये पांच तत्व तो अविनाशी हैं, ये लीन नहीं हो सकते। आत्माएं भी अविनाशी हैं, इनके लीन होने का पार्ट नहीं, इनको तो अलग अलग पार्ट बजाना ही है इस दुनिया में। तो ये ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं कि ये दुनिया क्यों बनाई। ये आत्मा का ज्ञान भी तुमको बाप तब सुनाते हैं जबकि तुम बेसमझ बनते हो। क्या कहा हैं? कब सुनाते हैं? द्वापर युग से बेसमझ नहीं बनते हैं? है? अभी संपूर्ण बेसमझ बनते हैं? अरे बेसमझ की बात है, संपूर्ण बेसमझ की बात नहीं है, है? बात ये बताई, जब तुम बेसमझ बनते हो तब आकर के बाप तुमको ज्ञान सुनाते हैं, है? तुम दिन अगर 36 में समझदार बनाने के लिए बाप आए होते तो किसको समझदार बनाया? अरे समझदार बनाने के लिए आए तो कोई को तो समझदार बनाया होगा, है? किसको? सूर्यवंशियों को समझदार बनाया, फिर कहाँ कहाँ हो गए? सूर्य को समझदार बनाया, फिर काहे के लिए गड्ढे में चला गया? कहते राम फेल हो गया। आत्मा का ज्ञान भी तुमको बाप तब सुनाते हैं जबकि तुम बेसमझदार बनते हो। बेसमझ बन जाते हो, कहते तो हो मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, वो तो जितने भी बेसिक नॉलेज लेते हैं सब कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। तो ये समझदारी हुई, आत्मा की जानकारी हुई, या मुगालते में पड़े हुए हैं? असली जानकारी थोड़ी ही हुई, वो तो 500 करोड़ सब बिंदु बिंदु आत्मा है। तो बाप आकर कब समझदार बनाते हैं? अरे अरे 76 में, 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया और मुरली में भी घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। तो बाप क्या करने आते हैं? नई दुनिया की स्थापना करने आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश करने आते हैं। तो कब से शुरू हुआ कहेंगे? 76 से। तो किसके लिए शुरू हुआ? सभी सूर्यवंशी बच्चों के लिए शुरू हुआ क्या? आत्मा का ज्ञान भी तुमको बाप तब ही सुनाते हैं जबकि तुम बेसमझ बनते हो। संगम युग में पूरे बेसमझ बनते हो या और जन्मों में पूरे बेसमझ बनते हो?
द्वापर युग में तो फिर भी शास्त्रों में सच्चाई थी कि पूरे बेसमझ थे, सच्चाई थी। धीरे 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 वो सच्चाई उड़ती गई। सन 36 में साक्षात्कारों के द्वारा प्रत्यक्षता हुई, और जो साक्षात्कार हुए वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन था या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन कहेंगे, वो तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन ही था। तो ये नहीं कहेंगे कि प्रत्यक्षता हुई। राम वाली आत्मा भी, प्रजापिता वाली आत्मा भी नहीं कहेंगे कि पूरा पहचाना। किसको? कि वो निराकार इस साकार शक्ति पर आकर के सदा काल के लिए कार्य कर रहा है। अगर पहचान हुई होती तो फेलियर की लिस्ट में नहीं डाला जाता। अभी तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा ही सुनाते थे, फिर भी कशिश तो थी ना। उस बाप ने ही खींचा, बच्ची की भी कशिश थी। शास्त्रों में भी दिखाया है कृष्ण को कंस की पुरी से निकाल कर ले गए। कहाँ ले गए निकाल कर? हाँ? कंस की पुरी कारागार से निकाल कर कहाँ ले गए? गुप्त में जाकर के रख दिया। अभी तुम समझते हो कि सतयुग में तो कंस आदि होते नहीं है, न द्वापर में कोई कंस आदि की बात है। कहाँ कंस होते हैं? कृष्ण होता है। संगम युग में कृष्ण भी है तो उसे मारने की फिराक में रहने वाले कंस भी हैं। तो देखो शास्त्रों में क्या क्या बातें बैठ लिख दी है। गीता है, भागवत है, महाभारत है, ये सभी शास्त्र बाप से कनेक्शन रखते हैं। परंतु है कुछ भी नहीं तो बाप समझाते हैं कि ये भक्ति मार्ग में जो भी वेद शास्त्र आदि सामग्री बनी हुई है वो सभी कुछ दुब्बण है। भक्ति कब से शुरू हुई है ये भी कोई नहीं जानते। कब से शुरू हुई? जब से द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं दो मते फैलाने वाले आए, तब से ये भक्ति की दुब्बण शुरू हुई। इसमें लाखों वर्ष की तो कोई बात नहीं है। लोग समझते हैं कि ये दशहरा आदि परंपरा से चला आता है। दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, समझते हैं कि परंपरा से ऐसे ही चला आता है। परंतु नहीं, इसमें परंपरा की बात नहीं है। भगवान जब आते हैं तो उस समय चार युगों की शूटिंग ऑटोमेटिक चलती है। उस समय की यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। ओम शांति।